सो हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अब हमारे कॉलेज में होने जा रहे हैं कल्चरल डेज, जिसकी स्टार्टिंग आज से है। और अब हमारा होगा ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है विद 6 मेंबर्स हमारी टीम के। तो अब लगभग 56 टीम्स बनी है, 7-7 मेंबर के एवरेज में। तो देखते हैं कैसा क्या होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, फोन तो हमारा लिया जाएगा, फिर पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। सकते हैं आप सब, इतनी गर्मा गर्मी का माहौल है, इतने सारे बंदे यहाँ। कैमरामैन दिखाओ। तो यहाँ पे आ चुकी है 56 टीमें, जिसमें से सिर्फ 5 आगे जाएंगी। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड गाइस, अब फोन रखवाएंगे हमारे पर, हम कुछ करेंगे इसमें, देखते हैं। हॉस्पिटल का काम तो संभाल लियो, ठीक है। मैं बॉयज हॉस्टल का संभाल लूंगा। गर्ल्स हॉस्टल का तू संभाल लेगा? गर्ल्स हॉस्टल में कैसे संभालेगा? गर्ल्स हॉस्टल कैसे संभालेगा? मैं अपने आप को संभालूंगा, दिलासा दूंगा अपने आप को। पैर में दिक्कत है तो मेरी अभी सर्जरी हुई गाइस, ACL। तो तेरा क्या काम है, क्या करेगा? मैं मोरल सपोर्ट के लिए इस टीम के अंदर। भाई क्या क्या ले आए यार? रेड सॉक्स लाए हो? रेड सॉक्स मेरे पास ब्लैक वाली थी, उसके मतलब रेड रेड प्रिंट्स वाला बोले आया। ग्रीन कलर ही रिंग हो गया तेरा, ये नहीं आया। स्टेपलर आ गया 14, 15, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। ये आया जेड किससे? जोड़े ले आया, जोड़े टी शर्ट अरे काले 29 की आती हो तो गाइस, एज ए टीम लीडर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। रिफ्रेशमेंट सबको देनी है, रिफ्रेशमेंट सबको मिलनी चाहिए, ले। तो गाइस मैं हूँ टीम लीडर। टीम लीडर का काम होता है मुश्किल चीज लाना, आसान तो सारे ले आते हैं, इनका काम था आसान चीज लाना। ये मैं गया हॉस्पिटल में, नी हैमर लेके आया हूँ। एक के बाद भी नहीं होगा नी हैमर यहाँ पे। नी हैमर गया मैं 9th फ्लोर पे लेने सीढ़ियों से, क्योंकि टाइम नहीं था। बिल्कुल एक मिनट पहले पहुंचा भी यहाँ पर, देख रहे हो कैपेबिलिटीज टीम लीडर की। तो भाई 20 मिनट का था और इतनी ज्यादा भागम दौड़ थी, सीधा बॉयज हॉस्टल गए। 2 बार चक्कर मारा है मैंने, उसके बावजूद भी सामान रह गया। इसके पास पिंक शर्ट थी और ये लेके नहीं आया। इसका एप देख इसके भाई साहब, हमें लाना था ऑरेंज फ्लावर। ऑरेंज फ्लावर लाने के लिए बंदे ने शर्ट भी कुर्बान कर दी, तब जीतते आ रहे। क्योंकि देख 56 टीम्स में से हमें केवल और केवल इन्होंने 5 या 6 टीम जितानी है। तो भाई अब उसमें देखते हैं आप आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। निभाता निभाता कोई नहीं, निभाता कोई नहीं, आशिकों की अपनी मासूका से वादे बहुत है। ये बातें होंगी।
माई नेम इज दुर्गा डोंट बी रूड इसको पसंद नहीं आया उसका एटीट्यूड तो गाइज आज है डे टू और अभी सुबह सुबह 9 बजे होनी थी पेबल पेंटिंग जिसमें मैंने पार्ट लिया था। हालांकि पेंटिंग आती नहीं है मेरे को पर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैंने पेबल पेंटिंग में ले लिया था पर रात को काफ़ी लेट हो गया था तो मैं पहुंच नहीं पाया टाइम पे। पर जैसा मैंने आपको दिखाया एंड में मैं पहुंचा तो पेबल पेंटिंग थोड़ी बहुत आपको दिखाई थी जो पेबल बने थे। अब मैं आया हूँ 10 बजे कॉफ़ी पेंटिंग करने। ठीक है तो अब कॉफ़ी पेंटिंग में मेरे को नहीं आती, एक ब्रश का काम दिया था मेरे को इसको पन्नी निकाल लेगा और ये काम भी मैं नहीं कर पाया। तो अभी मैंने टीम में लिया था तो टीम में मेरी पार्टनर जो है वो अब बना रही है कॉफ़ी पेंटिंग, देखते हैं कैसे क्या बनाती है आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है जैसे बिना निंदा सोच के लिया था भाई ये बता दे कॉफी पेंटिंग में भाई जीतेंगे हम सोचा क्या था अभी देख अभी जीत के जाएंगे यहाँ से। 10 मिनट का टाइम है हमें क्यों नहीं बताया 10 मिनट का टाइम है बस 11 बजे ले लेंगे सबसे 11 बजे ले लेंगे मित्तल आजा कॉफी पेंट करते हैं चल स्टार्ट करते हैं चल 10 मिनट में बनाएंगे गाइस हम जीतेंगे आखिरी में देखना जो आएगा ना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कौन खड़ा होगा। सोशल मीडिया के थ्रू हम काफी सारी चीजें करते हैं हम काफी सारी फोटोज अपलोड करते हैं वीडियोज अपलोड करते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि वो फोटोज वो वीडियोज कहाँ कहाँ तक जा रही है वो सारी डाटा जो होता है वो लीक भी होता है। पावे सुन लेना हाँ। अब अपनी जनरल क्यूज और मैंने पावे ने और इसने इस दानों ने पार्ट लिया है क्यूज में जीतेंगे सारे मेरे दोस्त सारे जनरल वाले। तूने क्यों नहीं लिया पार्ट तूने क्यों नहीं लिया अभी ना चैटर बॉक्स हुआ था तो उसमें जल्दी जल्दी बोलना होता है एक मिनट में जो एक टॉपिक दिया जाएगा उसमें जिसने सबसे जल्दी जल्दी बोला और सही बोला उसको प्राइज मिलता है। ठीक है तो मैं तो काफी नर्वस था पार्ट नहीं भी ले रहा था पर फिर उसके बाद मेरे को थर्ड की ट्रॉफी भी मिल गई तो बस ऐसे ही है मिल जाते प्राइज वगैरह तो अब क्विज में भी प्राइज लेना है। ठीक है तो भाई जरूर भाई ठीक है क्विज में भी लेंगे क्विज में भी हमारे फोन सबमिट हो रहे हैं फोन सबमिट कर देते हैं। ठीक है भाई भाई तो हम लोग बैठ चुके हैं और सारी प्रिपरेशन हो चुकी है डांस और सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है बहुत ही शानदार माहौल है।
बढ़िया। तूने बनाया इसका? ये फर्स्ट टाइम किया तूने ये फेस पेंटिंग? अभी 5 मिनट पहले। अरे बनाया क्या ये तूने? स्पाइडरमैन और बैटमैन? स्पाइडरमैन बनाने की कोशिश करी गई है पर बना नहीं है वो। मेरे को स्पाइडरमैन पसंद था, इसको अलग पसंद था। अच्छा, लड़ाई चल रही थी, क्या बनाए? क्या लगता है जीतेगा? नहीं भाई, बढ़िया कर रहा है पर, शाबाश भाई, फर्स्ट प्राइज मिला। नहीं तो चला जाऊंगा यहाँ से। अरे यार गाइस, ये मेरी टीम में थी, रैपिड स्पैगेटी टीम है, और ये और भावना इधर और भावना थी। हम चारों जीत चुके हैं, अभी सेकंड राउंड में जा चुके हैं आराम से, बहुत आसानी से जीते। देखते राउंड वन में जीत गए, बाकी आगे क्या होता है पता नहीं। ठीक है, अभी चल रहा है पैन टैटूइंग का कंपटीशन और टैटू बन रहा है। सारे पार्टिसिपेंट्स एक बार ध्यान से सुन लेंगे, कुछ रूल्स और भी हैं। यहाँ पे जीतने के बजाय टीम डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी ना ट्रेजर हंट का राउंड 2 चल रहा है, जिसमें ट्रेजर ढूंढना है। ठीक है, बैक बोरो स्टील जो था वो राउंड 1 था, उसमें तो चलो मैं बाहर हो गया था। अब हो रहा है ट्रेजर हंट का राउंड 2, जो कि अब ट्रेजर ढूंढना है। ठीक है, 7 मेंबर्स हैं हर टीम में, तो एक तरीके से मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ सबको, जिन जिनको हिंट्स मिले हैं। ठीक है, देखते अब क्या होता है। बाकी 3 ट्रॉफीज तो मैं जीत ही चुका, देखते आगे। ठीक है,
हेलो एवरीवन, ये ट्रेजर हंट चल रहा है और हमने हर टीम्स को, पांच टीम्स को पहले एक एक क्लूज दिए थे, उसके बाद उन्हें अपने अपने क्लूज फाइंड करने हैं। तो ये एक हमारी टीम है जिसने अपना दूसरा क्लू ढूंढ लिया है एंड दे वो अपने अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, भाग रहे हैं तो देखने के लिए। हाँ, ताकि ये एक दूसरे के क्लूज हैम्पर ना कर पाए और ये सही सीक्वेंस में जा रहे हैं या फिर आपस में कुछ इश्यू ना हो इनका। मैं भाई सब जगह तो नहीं रह सकता, जैसे जैसे टीम्स दिख रही है ना उनको थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस टीम को अपना तीसरा क्लू मिल चुका है, पहला हमने दिया था, इन्होंने दूसरा ढूंढा और उसके बाद अपने तीसरे क्लू तक पहुँच चुके हैं। जी मतलब वन है, आर मतलब फोर है, ई मतलब फाइव, फाइव हो गया दो ई, एन का मतलब वन एट। लिख ले पहलवान इनके सबर के नीचे। कर ले कुछ सोल्व कर ले उसको। अरे मैथ नहीं आती। करनी है सर, जाओ जाओ जाओ। मिल गई उन लोगों को, आ रही हूँ। मैं ये नहीं कहता। मिल गया क्या मैं बता दूँ? मिल गया। सॉरी। मिल गया? नमस्ते देवी और सज्जनों, कैमरा पर है डॉक्टर मनदीप शर्मा, ये दीक्षित गुप्ता। आज हम ये टैटू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट मिट चुका है यहाँ पर। यहाँ इस अभी सिर्फ नीचे का बताया, ऊपर की मैं आपको हिस्ट्री दे देती हूँ। जो था यहाँ पर एक बंदी थी जो बंधी हुई थी, उसके नीचे वो एक्चुअली बंधी हुई थी, नीचे से आग जल रही थी क्योंकि वो गर्म हो रही थी, उड़ना चाहती थी वो पर उड़ नहीं पा रही थी नीचे गर्मी की वजह से। शी वॉज रिलीजिंग रेडिएशन, द पॉजिटिव रेडिएशन ऑफ लाइफ। उसके ऊपर उधर एक क्रिएटर भी बैठी है हमारी जिसने ये बनाया था, ऊपर एक चांद भी था। हमारा आर्ट पीस नहीं रखी जा रही है। शी इज द क्रिएटर ऑफ दिस आर्ट पीस। बचा का है, इट इज गॉन। बाइसेप देखो सर, बाइसेप ये था, ये था एक्चुअली, ये थी वो बंदी जो बंधी हुई थी। थीम वाज माइथोलॉजी, तो ये सिग्निफाई करता है कि एक लेडी है जो बंधी हुई है, एक बंदी है जो बंधी हुई है और ये फ्री होना चाहती है लेकिन ये हो नहीं पा रही है MBBS के स्ट्रेस से। तो जिस वजह से फ्री होना चाहती है, ये इतने एनर्जी रिलीज कर रही है और वो है ये रेडिएशन जो एनर्जी शो कर रही है, मतलब वो जो पावर जो निकल रही है इसके अंदर से। और मून जो है वो फेमिनिज्म को शो करता है मिथोलॉजी में, इसलिए मून बनाया है। ओ, सितारा भी है ये, वो सितारा नहीं है। इतना से रह गया 0.2 मार्क्स से। पहले इतनी ट्रॉफियां आ चुकी हैं, मुझे पता नहीं कितनी इकट्ठी कर लेनी है, कोऑर्डिनेटर वगैरह हर चीज की है। हमसे पूछो तो इनके पास एक भी नहीं है, सब में लेने के बाद, सब में पार्टिसिपेट करने के बाद। अभी तो शील्ड भी आ रही होगी साइड से, शील्ड आ गई, आज स्टेज पे भी आएगी, स्टेज पर फिर दे देंगे उनको। चलो ओके ओके सर, नमस्ते, थैंक यू। फूल से खुशबू खफा खफा है तो शब्द है, छुपा है कोई रंग फिजा की चिलमन है। Yeah.
So we are concluding our cultural fiesta Acacia. It was the best event, best fiesta that occurred at ESIC. I thank all the participants, the whole organizing team, the whole coordinators, and most importantly our viewers on social media. It wouldn't be possible without your likes and your support. I thank you everybody. So guys, ye tha hamara cultural event jo 3 din chala, theek hai? तो आपको जैसी भी लगे वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया मैंने सारा आपको दिखाया, क्योंकि कुछ इवेंट्स मैंने ही पार्टिसिपेट किया है तो हर चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकता। तो चलो जैसा भी है, अब हमारा इवेंट फाइनली ओवर हो चुका है, अब आपको जैसा भी लगा हो तो जरूर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? ओके बाय।